तुर्की और सीरिया में करीब 100 घंटे पहले शक्तिशाली भूकंप आया था। इसमें अब तक 19,000 से ज़्यादा लोगों की लाशें मिल चुकी है और अभी भी हजारों लोगों को ढूंढना बाकी है, वे लापता हैं। लापता लोग इमारतों के मलबे में दबे हैं। इन्हें बचाने के लिए टीमें दिन रात काम कर रही हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, मलबे में दबे लोगों के जिंदा होने की उम्मीद भी कम होती जा रही है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में डिजास्टर और हेल्थ के प्रोफेसर इलान कैलमन के मुताबिक आमतौर पर भूकंप के बाद इमारतें ढह जाती है, जिसमें लोग दब जाते हैं। इस दौरान उन्हें चोट लगती है और मौत की भी सबसे बड़ी वजह यही होती है। लोगों की जान भले ही एकदम नहीं जाती है, लेकिन समय पर इलाज ना मिलने से या फिर बेहद ज़्यादा ही खून बह जाने से मौत हो जाती है। दूसरी बात जो लोगों की ज़िंदगी और मौत के बीच फ़र्क तय करती है, वह है हवा और पानी की उपलब्धता। अगर लोग गहरे मलबे में दबे हैं जहां हवा पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं है, तो सांस घुटने से लोगों की जान चली जाती है। इसके अलावा मौसम भी बेहद हद तक लोगों के बचे रहने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। सीरिया और तुर्की में राहत और बचाव कार्यों में मौसम बड़ी बाधा बना है। वहाँ इस वक्त भयानक सर्दी पड़ रही है। जिस रात भूकंप आया, उस रात भी कई जगह बर्फ गिरी थी। तापमान -6 डिग्री सेल्सियस था। साथ ही कई इलाकों में बारिश भी हो रही थी। कैलमैन कहते हैं कि यह बेहद दुख की बात है कि बर्फबारी की वजह से लोगों को हाइपोथर्मिया संभव है। शायद इसी वजह से उनकी मौत हो जा रही होगी। पानी ना मिल पाने से लोगों की जान जा सकती है। जो लोग ठंड और कम चोट लगने के बाद बचे होते हैं, उन्हें खाने और पानी की ज़रूरत होती है। पानी के बिना बेहद से लोग ऐसे होते हैं जो 3-4 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन 5वें दिन वे दम तोड़ देते हैं। अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में इमरजेंसी और डिजास्टर मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर जेरोन ली कहते हैं कि आमतौर पर 5वें से लेकर 7वें दिन के बाद मलबे के नीचे से किसी के जिंदा मिलने की उम्मीद बेहद कम या फिर ना के बराबर होती है। इसलिए अधिकतर रेस्क्यू टीम उस वक्त तक मलबे में दबे लोगों की तलाश बंद कर देती है, उन्हें ढूंढना छोड़ देती है। हालांकि ऐसी बेहद और बहुत सी कहानियां हैं जिनमें लोग 7 दिन के बाद भी जिंदा मिले हैं। देखा जाए तो ये बेहद ही दुर्लभ और कभी कभार सुनाई देने वाली कहानियां जैसा प्रतीत होता है। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी फाइनबर्ग के मेडिकल स्कूल में इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर जॉर्ज सियापांस के मुताबिक लोगों के बचने की संभावना में सबसे बड़ा रोड़ा पत्थरों या फिर कंक्रीट के नीचे कुचले जाने वाली चोटें और अंगों का कट जाना होता है। पहला घंटा गोल्डन आवर होता है। अगर आप उन्हें पहले घंटे में बाहर नहीं निकालते हैं तो उनके बचने की संभावना बेहद कम हो जाती है। सैन फ्रांसिस्को की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इमरजेंसी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर क्रिस्टोफर कॉलेवेल के मुताबिक कई बार खबर आती है कि भूकंप आने के बाद लोगों को किसी चमत्कार की तरह बचा लिया गया और लोग बेहद भयानक परिस्थिति में भी जिंदा रहे। ऐसे लोग ज़्यादातर युवा होते हैं और बहुत किस्मत वाले होते हैं, किसी ऐसी जगह पर फंसे जहां उन्हें पानी या फिर हवा जैसी चीज़ें मिलती रही। 2011 में जापान में भूकंप सुनामी के बाद एक युवक और उसकी 80 साल की दादी अपने घर के मलबे से 9 दिन बाद जिंदा मिले थे। साल 2010 में हैती में भूकंप आया था, उस वक्त पोर्ट ऑफ प्रिंस में 16 साल की एक युवती 15 दिन बाद भी जिंदा मिली। डॉक्टर सियापांस कहते हैं कि पीड़ित की मानसिक स्थिति भी बहुत कुछ तय करती है। वे बताते हैं कि जो लोग शवों के साथ फंसे हों और किसी से संपर्क में ना हों, उनके उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि वे जिंदा रहें, उनकी संभावना कम हो जाती है। वे कहते हैं अगर आपके पास कोई है जो जिंदा है तो आप दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं और संघर्ष करते रहते हैं। किसी स्थान पर भूकंप के बाद बचाव के कई तरीके हैं जिनसे मलबे में फंसे लोगों को ढूंढा जा सकता है। इसमें एक तरीका बचाव दल के साथ मौजूद कुत्ते के जरिए मलबे में फंसे लोगों को खोजना भी है। प्रशिक्षित कुत्ते सबसे पहले मलबे को सूंघकर वहां फंसे लोगों के बारे में पता करते हैं। कैलमैन के मुताबिक मैक्सिको के पास इस तरह के कुत्तों की एक टीम है जो किसी आपदा के बाद बचाव में अहम भूमिका निभाते हैं। ये डॉग स्क्वाड भी तुर्की पहुंच गई। इसके अलावा भूकंप प्रभावित
तंग गलियों और संकरी जगह में फंसे लोगों के बारे में पता करने के लिए रोबोट और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे ही मलबे में फंसे इंसान के बारे में पता चलता है तो बचाव कर्मी तुरंत उसे वहां से सुरक्षित बाहर निकालने का प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस में लग जाते हैं। सबसे पहले इमारत के मलबे को क्रेन और ड्रिलर के जरिए हटा दिया जाता है। इसके बाद इंसान को निकाला जाता है। कई बार मलबे में दबे इंसान के अंग तक काटने की जरूरत होती है जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके।